हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था सीक्वेंस एंड सीरीज़ का और वहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 भी सॉल्व किया था और आपने किया भी था बहुत अच्छे से। और मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, मैंने आपको सिर्फ जो भी एक्सरसाइज 9.1 थी आपकी 9.1 में जो भी क्वेश्चंस थे आपके उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो मैंने बोला कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया और एक क्वेश्चन करके दिखाया कि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, बाकी के आप कर सकते हो तो आप कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ओके, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने कर लिया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। किसके बारे में? एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। जो आपकी एक्सरसाइज 9.2 है ना, ये आपका एपी का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 9.2 कवर कर लिया, इट मीन समझिए आपकी एक्सरसाइज आपने एपी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका जीपी स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है आपकी एपी की। अभी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज देखा था, अब हम बात किस पर करने वाले हैं? एपी पर बात करने वाले हैं। और आपने एपी क्लास 10th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है क्योंकि मैंने खुद आपको पढ़ाया है, है कि नहीं? जब मैंने खुद आपको पढ़ाया तो मुझे तो पता है ना मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बेसिकली सब कुछ आपको क्लियर किया था, सारे डाउट्स जो कुछ भी था सब कुछ छोटी से छोटी चीज़ें मैंने आपको सब आपको बताई थी और क्वेश्चंस भी अच्छे से मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। ठीक है, उसके साथ ही साथ में अब हम बात करेंगे एपी में। तो यहाँ पर आपके पास टेंथ से क्लास 10 से थोड़ा सा अलग एक वर्ड एक टर्म मिलेगा आपको, अरिथमेटिक मीन, जिसको अपन बोलते हैं AM। क्या मिलेगा आपको पढ़ने को यहाँ पर? अरिथमेटिक मीन, जिसको अपन बोलेंगे AM। एपी आपने 10th में पढ़ा बट आपने अरिथमेटिक मीन 10th में नहीं पढ़ा, तो अपन यहाँ पर वो एडिटी जो आपका अलग से एक टर्म है वो क्या है? अरिथमेटिक मीन, जो आप पढ़ोगे क्लास 11th में। तो आपको यहाँ दो चीज़ पढ़नी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दूसरा अरिथमेटिक मीन। ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ने को किसमें? एक्सरसाइज 9.2 में। तो पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, फिर अपन बात करेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जो आपकी एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड हैं, क्योंकि उनको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे? पहले अपन उन टर्म्स को पढ़ेंगे, उन फॉर्मूलेस को पढ़ेंगे जो हमें चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप रेडी हो गए एकदम अच्छे से, आपने अपनी एनसीईआरटी बुक रफ ओपन अपने पास रख लिए कि नहीं, और नहीं रखी तो आप रख लीजिए, फिर आप लेक्चर देखना स्टार्ट करिए। ओके, चलिए हम देखते हैं। अब तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए समझिएगा अच्छे से, चीज़ों को पूरा अच्छे से रिलेट करके चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या लिखा हुआ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले अपन देखते हैं। लिखा है अ सिक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी, ए फॉर अरिथमेटिक एंड पी फॉर प्रोग्रेशन। अ सिक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन If the difference of a term and the previous term is always same। कह रहा है ये कि आपका सीक्वेंस जो है वो AP कब होगा? कोई भी सीक्वेंस आपकी AP तब होगी जब उस सीक्वेंस के टर्म्स और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम होगा तब। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला कोई भी सीक्वेंस आपकी एपी होगी तब जब उस सीक्वेंस के टर्म्स और प्रीवियस टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट और टू टर्म्स, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आपको मिला 2 तो थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस मिला आपको 4 मिला, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम। अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस अगर 1 है तो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस भी 1 होना चाहिए, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस भी 1 ही होना चाहिए, और आगे के जितने टर्म्स मिले उन सब के बीच का डिफरेंस भी आपको 1 ही मिलना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है आपको? अभी मैं आपको जब मैथमेटिकली चीज़ें दिखाऊंगा तो आपको और भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। आप आगे लिखा है एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और जो ये डिफरेंस आपको मिलेगा इस डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को कि एपी, एपी का मतलब सीधी सी बात इतनी है, ऐसी सीक्वेंस जिसका टर्म एंड प्रीवियस टर्म का डिफरेंस आपको हमेशा कॉन्स्टेंट मिले, हमेशा सेम मिले, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल। प्रोग्रेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो किसी एक कॉन्स्टेंट टर्म
किसी एक कांस्टेंट पैटर्न को या किसी एक कांस्टेंट रूल को फॉलो करती चली जाती है, उसका हर एक टर्म। क्या बोला मैंने? प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका हर एक टर्म किसी एक कांस्टेंट रूल या किसी एक कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? एक ऐसी सीक्वेंस जिसका टर्म एंड प्रीवियस टर्म का डिफरेंस जो मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे। और जो वहाँ पर डिफरेंस मिलेगा, उस डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कान लगा के सुनिएगा, मैंने क्या बोला? कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या? जो सब में डिफरेंस सेम हो, क्योंकि जब सब में डिफरेंस सेम आ रहा है तभी तो हमने उसका नाम क्या दे दिया? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो जो डिफरेंस आ रहा है वो सब में क्या है? कॉमन, इसलिए अपन ने उसको नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस। उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, ये बात होगी हमारी इसकी। अब हम बात करेंगे कि ऐसी जनरल सीक्वेंस कौन सी है जो एपी की है, मतलब एपी की ऐसी कौन सी जनरल सीक्वेंस है जिसमें आपको क्या मिले? कॉमन डिफरेंस मिले। कॉमन डिफरेंस मीन्स मतलब कि प्रीवियस टर्म और टर्म का जो डिफरेंस मिले आप, सॉरी, टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस मिले आपको, वो आपको हमेशा कॉन्स्टेंट मिले। देखिए, समझिएगा ध्यान से, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले तो मैं आपको जनरली एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ पहले एपी का। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ठीक, ये आपका प्रीसीडिंग टर्म होता है, ये आपका सक्सेडिंग टर्म होता है, ये आपका प्रीसीडिंग टर्म होता है, ये आपका सक्सेडिंग टर्म होता है। तो जो आपका सक्सेडिंग टर्म है वो आपको कब मिल रहा है? जब आप प्रीसीडिंग टर्म में टू ऐड कर रहे हो, या फिर ये बोले जब आप प्रीसीडिंग, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस मिलना चाहिए, कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए। पहले हम अपन इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। टर्म और प्रीवियस टर्म, 4 - 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना मिला? 2 मिला। टर्म और प्रीवियस टर्म, 6 - 4। टर्म और प्रीवियस टर्म, 8 - 6। टर्म और प्रीवियस टर्म, 10 - 8। तो आप क्या देख रहे हो? इन सबका जो डिफरेंस मिला आपको 2 मिला। इट मीन्स कॉन्स्टेंट है, इनका डिफरेंस कैसा है? ऑलवेज सेम आ रहा है। तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं अपन? कॉमन डिफरेंस। और इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे CD। क्या बोलेंगे? CD, ठीक है, CD, कॉमन डिफरेंस। रिप्रेजेंट किसे करते हैं? स्मॉल डी से, ठीक है। अब देखिए, जो कॉमन डिफरेंस का जो ये टू आप देख रहे हो, टू को बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब आप इसको A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर T1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आपकी NCERT बुक में A1 से रिप्रेजेंट किया गया। मैं आपको T1 लेकर के पढ़ाऊँ क्योंकि मुझे T1 में फील आती है। अगर आपको A1 में फील आती है तो आप A1 लेकर के करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मना नहीं करने आएगा आपने A1 क्यों लिखा, T1 क्यों लिखा, ठीक है। T1 मतलब भी फर्स्ट टर्म, A1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म। ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, इसको अपन क्या बोल देंगे? T2 बोल देंगे। ये आपका थर्ड टर्म हो जाएगा तो इसको अपन बोल देंगे T3 बोल देंगे। रिप्रेजेंटेशन देखिए मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चीज़ों को। ये आपका फोर्थ टर्म यानी T4, ये फिफ्थ टर्म यानी कि T5, ठीक है। लिखेंगे फिफ्थ टर्म का मतलब क्या था? ऐसे लिखते हैं ना फिफ्थ टर्म को, बट हम सोच रहे हैं इसको ऐसे नहीं लिखा, मैथमेटिकली चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करें ऐसे T5, T4, T3, T2, T1। तो ये आपका हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें आपको टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस मिल रहा है कैसा मिल रहा है? हमेशा ऑलवेज सेम मिल रहा है, इसलिए अपन इस सीक्वेंस को क्या बोल देंगे? AP बोल देंगे। बात समझ में आ गई आपको इतनी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किस पर? अब हम बात करने वाले हैं जनरल सीक्वेंस ऑफ AP, मतलब AP की एक ऐसी सीक्वेंस हम बताने वाले हैं आपको कि जिसको आप पढ़ करके कभी भी उस AP का कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप उस एक सीक्वेंस का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, देन देखिए A, A+D, सभी को याद होना चाहिए, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, A+N-1 (D).
सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, अगर आप समझ गए तो समझिए आपका थोड़ा काम हो गया। ये क्या है? जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी। क्या बोलेंगे इसको अपन? जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी। ठीक है, जब भी मैं आपसे पूछूं आप मुझे जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी बताइए, तो आप सीधा क्या बोलेंगे? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी कॉमा ए प्लस फोर डी डैश 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। गॉट इट? चलिए, समझ में आ गई बात आपको, सब कुछ याद हो जाएगा। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, बोलिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी कॉमा डैश 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 ए प्लस एन माइनस वन टू डी। अब इस सीक्वेंस में जो आपकी जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी है, इस सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं जो आपने यूज़ किया उनको अपन क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबको अपन अब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। इसको अपन टी वन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? टी वन। ये आपका क्या है? सेकेंड टर्म। इसको अपन क्या बोलेंगे? टी टू। ये आपका क्या है? थर्ड टर्म। इसको अपन क्या बोलेंगे? टी थ्री। ऐसे ये क्या है? टी फोर। फोर्थ टर्म है आपका, तो टी फोर हो गया। ये आपका फिफ्थ टर्म है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? टी फाइव बोलेंगे। ऐसे ही टी सिक्स टी सेवन टी एट टी नाइन डैड 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 करके एक लास्ट में आएगा आपका एनएथ टर्म। इसको अपन क्या बोलते हैं? एनएथ टर्म। क्या बोलते हैं इसको अपन? एनएथ टर्म। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अपन? टी एन और ए एन, दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप चाहे टी एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, चाहे ए एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। टी एन और ए एन, टी एन मतलब भी एनएथ टर्म और ए एन का मतलब भी एनएथ टर्म होता है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि एनएथ टर्म का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, डी भी आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना? अब देखिए, जो सीक्वेंस होती है, मैंने आपको वहाँ पर बताया था, सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। इट मीन्स जो यहाँ पर सीक्वेंस में आपको टर्म्स मिलेंगे ना, वो टर्म्स भी आपके क्या होंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे। इट मीन्स कहने का मतलब मेरे ये है कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो आप ये n देख रहे हो, ये जो n टर्म्स आपका आ रहा बार बार, ये n आ रहा है, ये n आ रहा है, इस n को अपन क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। देखिए, इस n को अपन क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, n क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। ध्यान रहेगा, बोलेंगे तो नहीं कि n क्या आपका? नंबर ऑफ टर्म्स है। देखिए, इसका भी अपन यूज़ करेंगे, अभी मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, बट अभी ये आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एंड एन क्या आपका? नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? जैसे कि देखिए, आपके नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 डैश 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 ए प्लस एन माइनस इन टू डी। इट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन नंबर ऑफ टर्म्स है। समझ बात आ गई आपको इतनी? चलिए, अब देखिए, ये जो आप T1 देख रहे हो, T1 क्या डिनोट करता है? फर्स्ट टर्म। T2 आपका सेकंड टर्म डिनोट करता है, T3 आपका थर्ड टर्म, और T4 आपका फोर्थ टर्म, T5 आपका फिफ्थ टर्म। तो ध्यान रहे, जब भी मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म का मतलब A, सेकंड टर्म की बात करूं तो A प्लस डी होगा, यानी कि A प्लस टू डी। सेकंड टर्म मतलब A प्लस डी। जब मैंने आपसे सेकंड टर्म पूछा तो आप देखिए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का कॉफिशियंट कितना है? कॉमन डिफरेंस का कॉफिशियंट यहाँ पर 1 है, जो कि आपको मन की आंखों से दिखेगा, डायरेक्टली आंखों से नहीं दिख रहा ना, क्योंकि 1 अंडरस्टूड है। तो टी टू क्या है? सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी मैं आपसे पूछूं मुझे सेकंड टर्म बताओ, तो आप क्या बताओगे? ए प्लस डी बताओगे। थर्ड टर्म पूछूंगा तो आप थर्ड टर्म क्या बताओगे? ए प्लस टू डी बताओगे। क्यों? ये टी थ्री है, तो टी थ्री के लिए कॉमन डिफरेंस का कॉफिशियंट 1 कम होगा, यानी ए प्लस टू डी। जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया तो आपका ए प्लस टू डी तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का कॉफिशियंट कितना है? 0 है, इसलिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर है, यहाँ पर है। थर्ड टर्म के लिए ए प्लस टू डी हो गया, फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म के लिए फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म के लिए ए प्लस फोर डी। ऐसे ही डैश 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 जो है ना टर्म मिलेगा आपको ए प्लस एन माइनस वन टू डी। यहाँ पर एन माइनस वन क्यों मिल रहा पता आपको? देखिए, यहाँ पर ये जो 1 2 3 आप देख रहे हो, ये क्या है आपका? एक्चुअल में टी एन है। टी एन है, क्या है? टी एन है, क्योंकि एन की वैल्यू जैसे ये क्या है? एन है, टी एन है ना। देखिए, ये टी एन जो देख रहे हो, ये क्या आपको रिप्रेजेंट करता है? एन एथ टर्म रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एन एथ टर्म को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो एन है बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर है। इट मीन्स जब एन की वैल्यू आप डालते जाओगे, एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से। तो एन की वैल्यू जब 1 डालोगे तो आपको टी वन मिलेगा,
टू डालोगे टी टू मिलेगा, थ्री डालोगे टी थ्री मिलेगा, फोर डालोगे टी फोर मिलेगा। तो आपको क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर का मिल रहा है। जब एन की वैल्यू आप डाल रहे हो तो वैसे आपको ये मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आप ये वन टू थ्री देख रहे हो इस पर डिपेंडेंट है एन पे, यानी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जब आपका फर्स्ट टर्म था तो टी वन आपका ए हो गया, टी टू देखिए ये टू जो है आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो ये थ्री देख रहे हो ये एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, किसकी, स्मॉल एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये भी स्मॉल एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये भी स्मॉल एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो टी टू का मतलब एन की वैल्यू टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू टू है तो यहाँ पे एन की वैल्यू वन टू से एक कम है, कौन, कॉमन डिफरेंस का कोफिशियंट। क्या बोला, अगर एन की वैल्यू यहाँ पर टू है तो एन से कॉमन डिफरेंस का कोफिशियंट एक कम है, यहाँ पर भी थ्री है एन से कॉमन डिफरेंस का कोफिशियंट एक कम है, यहाँ पर देखिए थ्री है इट मीन्स ये भी एन से कॉमन डिफरेंस का कोफिशियंट एक कम है, एन से कॉमन डिफरेंस का कोफिशियंट एक कम है, इसलिए यहाँ पर भी एन से कॉमन डिफरेंस का कोफिशियंट एक कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टी एन है एन से एक कम यानी एन माइनस वन, इसीलिए यहाँ पर हो गया है। ठीक, तो ये बात होगी आपकी जनरल सिक्वेंस ऑफ ए पी की, जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर से बोलिए मेरे साथ, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी कॉमा डैश 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 ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे जवाब दीजिएगा बच्चों, आप मुझे बताइए सेवन्थ टर्म, जल्दी से बोलिए, दिमाग चलाइए क्या होगा सेवन टर्म आपका, सोचिए। सेवन टर्म मतलब मैंने आपसे टी सेवन पूछा, टी सेवन मतलब एन की वैल्यू सेवन, तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट एक कम यानी ए प्लस सिक्स डी। देखिए एक दिन आप डायरेक्ट खेलोगे, कैसे खेलोगे, डायरेक्ट पूछूंगा मैं नाइनटीन टर्म आप बताओ, तुरंत बताओगे सर ए प्लस एट्टीन डी होगा, क्योंकि नाइनटीन टर्म मतलब होता है टी नाइनटीन और टी नाइनटीन का मतलब एन की वैल्यू नाइनटीन, मतलब एक कम होना चाहिए कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट यानी ए प्लस एट्टीन डी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट खेलोगे एकदम, ऐसे खेलोगे ना कि आपको भी मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं, पक्की बात है एकदम। बस मैं इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए, बस मैं आपसे पूछ लूँगा कि आप मुझे फिफ्टींथ टर्म बताइए, फिफ्टी टर्म बताइए, तो आप बोलेंगे फिफ्टी टर्म का मतलब होता है सर टी फाइव टी फिफ्टी सॉरी टी फिफ्टी फाइव जीरो फिफ्टी की बात कर रहा हूँ, टी फिफ्टी, टी फिफ्टी मतलब एन की वैल्यू फिफ्टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस का कॉफिशियंट होगा वो एक कम होगा यानी कि 49, तो आपका जो टी फिफ्टी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए प्लस 49D। ऐसे खेलना है आपको, जब क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे ना, मैं वहाँ पर आपको ऐसे डायरेक्टली खेल खिलाऊंगा, बाकी ये मिला कैसे है ना वो तो चुटकियों में, अभी जहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा आपको बता दूंगा कैसे ये आया है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, कैसे मिला आपको वो उसके लिए तो मैं हूँ ना। ठीक है, देखिए अब हम आगे बात करने वाले हैं, कुछ नया सीखते हैं। ये बात होगी आपकी जनरल सिक्वेंस ऑफ ए पी की, ध्यान रहे इस बात का आपको, ये चीज़ें मैंने आपको टेंथ में भी बताई थी, बट अगर आप भूल गए हो, जिन लोगों ने टेंथ में यार नहीं पढ़ा है, मेरा लेक्चर्स नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, बट आप अब तो पढ़ रहे हो ना, मैं आपको फिर से, इसलिए तो मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा सब कुछ बेसिकली पढ़ाता हूँ, कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, याद है कि नहीं याद है, इन सब की दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या था, इसकी जरूरत है मुझे, मैंने रफ कर दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब देखिए जब भी अपन बोलेंगे कि आपको क्या फाइंड आउट करिए, आप फाइंड आउट करिए फिफ्टींथ टर्म फाइंड आउट करिए, मैं आपसे बोलूँ आप मुझे फिफ्टींथ टर्म बताइए, जब आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता हो, आप मुझे क्या बताइए, मुझे फिफ्टींथ टर्म बताइए यानी टी फिफ्टीन बता दीजिए, या फिर मैं आपसे पूछ लूँ टी नाइनटीन बता दीजिए, या फिर मैं आपसे पूछ लूँ टी फिफ्टी बता दीजिए, या मैं आपसे पूछ लूँ टू ट्वेंटी सेवन बता दीजिए, क्या होगा। जब भी आपको कोई एक एपी बोले, आपको एक एपी दी हुई है, उस एपी का आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दो चीज़ें गिवेन हो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको गिवेन हो, या फिर आपको कभी कभी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना भी पड़ जाता हो, कभी कभी दिया भी रहता है, ठीक है, और आपको बोल दे कि आप मुझे ये फाइंड आउट करके बताओ ये सब, तो आपको जब ये देखिए किसी एपी के ये सभी क्या है टर्म्स है ना, इनको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एक फॉर्मूला जिसको अपन बोलते हैं, वो फॉर्मूला होता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है, किसका, nth टर्म का, क्योंकि जब अपन nth टर्म यूज़ करेंगे तो nth टर्म का फॉर्मूला तो यही है, क्योंकि यही तो हमें देता है nth टर्म, क्या देता है tn और an, दोनों बातें तो सेम है, इसी को अपन क्या बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर आप a प्लस एन माइनस वन इंटू डी देख रहे हो, तो जब भी आपको क्या फाइंड आउट करना, कोई भी टर्म किसी ए पी का कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना होता है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। जब भी आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करना हो, जनरल टर्म का मतलब सामान्य कोई भी नंबर ऑफ टर्म, कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करना हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, किसी भी ए पी का जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस और एन की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर उसने आपसे टर्म पूछ लिया, आप फिफ्टीन टर्म बताओ, तो जाहिर सी बात है अगर उसने आपसे फिफ्टीन टर्म पूछ लिया, इसका मतलब उसने एन की वैल्यू आपको दे दी, एन की इक्वल टू
15। अब आपको क्या चाहिए, ए और डी। अगर ए और डी दिया है तो आप पुट कर दीजिए, आपको 15 टर्म मिल जाएगा। अगर ए और डी नहीं दिया है तो आपको 15 टर्म नहीं मिलेगा। अगर मैंने आपसे पूछ लिया आप मुझे 4 टर्म बताओ, ठीक है। अब देखिए 4 टर्म मैंने आपसे पूछा, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर बताता हूँ अच्छी चीज़ें। देखिए तो हम लिखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ऐसे इसको लिखिए, ऐसे इसको याद रखिए कि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, भूलने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े और भूले ही ना आपको कभी, ठीक। अब इसके टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है टी एन को क्या बोलते हैं अपन, एन एथ टर्म बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। डी आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इन टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने आपसे बोला आप मुझे 4 टर्म फाइंड आउट करके बताइए, जब आपका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस आपका डी है। अगर मैंने आपसे 4 टर्म पूछा तो मैंने आपको क्या बताया, जो ये 3, 2, 1 ये 4 है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है एन की वैल्यू, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एन की वैल्यू 3, 2, 1 जो आप देख रहे हो। इट मीन्स यहाँ पर भी एन की वैल्यू कितनी मिली आपको, 4 मिल गई। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको 4 टर्म फाइंड आउट करना है। पुट करिए यहाँ पर एन की जगह पे 4, टी 4 इज इक्वल टू में ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ से आपको टी 4 कितना मिल गया, ए प्लस 3D मिला कि नहीं बताइए, मिला ना। और अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि जो ए प्लस 3D है ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म है टी 4, और ये एन आपकी वैल्यू, एन की वैल्यू है। देखिए आपको 4 टर्म ए प्लस 3D मिला कि नहीं मिला, मिला ना। ऐसे अगर आप सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो आपको ए प्लस 2D मिलेगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, सेकंड टर्म 2D और फर्स्ट टर्म ए मिल जाएगा, और फिफ्थ टर्म ए प्लस 4D। ऐसे कोई भी टर्म आप फाइंड आउट करेंगे आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। जैसे अगर मैंने जैसे यहाँ लिखा मैंने 19th टर्म आपसे पूछा तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 19, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, एन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको टी 19 इज इक्वल टू मिलेगा ए प्लस 18D, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, एन की जगह आप 19 पुट करेंगे, 90 माइनस 1 आपका 18 हो जाएगा, तो टी 19 इज इक्वल टू ए प्लस 18D मिल जाएगा। देखिए एन से एक का मैंने डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट का मैंने, तो टी 19 इज इक्वल टू ए प्लस 18D मिल गया आपको, ठीक। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा क्या, टी एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस फॉर्मूले का अपन कब यूज़ करेंगे, जब आपको कोई भी किसी एपी का, किसी भी एपी का कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वैसे तो इस फॉर्मूले का अपन कई तरीके से यूज़ करते हैं, कभी कभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना होता है तो यूज़ करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो यूज़ करते हैं, और कभी कभी एन टर्म फाइंड आउट करना होता है तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। यूज़ तो कई तरीके से करते हैं, बट नॉर्मली जो इसका नाम है उसके अकॉर्डिंग जो इसका यूज़ है वो यही है, किसी भी एपी के टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर आप बोल दीजिए किसी भी एपी का, उस एपी के टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसी के साथ में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। देखिए जो मैंने यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस लिखा है, जो ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ध्यान रहे कॉमन डिफरेंस शुड बी पॉजिटिव, निगेटिव और क्या हो सकता है, ज़ीरो। ध्यान रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक। इन तीनों में से कुछ भी आपका कॉमन डिफरेंस पॉसिबल है। ये मत समझिएगा कि हमेशा आपको कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। पॉजिटिव भी मिलेगा, निगेटिव भी मिलेगा, ज़ीरो भी मिलेगा, तीनों में से कोई एक ही मिलेगा एक बार में, यानी तीनों एक ही साथ मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। मैं लिखने वाला हूँ क्या कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, ऐसे लिखते हैं nth टर्म ऑफ द एपी। पहले हम बिगनिंग से बात करते हैं,
क्या लिखा मैंने, एन एथ टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द एंड। देखिए एन एथ टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द एंड, ये हम कब यूज़ करेंगे? देखिए ये हमारे जनरल टर्म है, कभी भी पूछ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछता है ना, एन एथ टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द एंड, कोई एक ए पी आपको दी रहेगी, उस ए पी से बोलेगा आपको एन एथ टर्म बताना है, एंड से बताना है। ये फॉर्मूला कब के लिए? ये बिगनिंग के लिए, जब आप बिगनिंग में खड़े होगे। ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे किसके लिए यूज़ करेंगे? बिगनिंग के लिए। जब आप स्टार्टिंग से खड़े होकर के किसी ए पी को, किसी ए पी के सीक्वेंस को देखते हो, तो जो आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करोगे वो स्टार्टिंग से देख करके जब आप फाइंड आउट करते हो ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बिगनिंग से आप क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ एनथ टर्म बताओ। जब भी आपको पूछे बिगनिंग से आप क्या बताइए? एनथ टर्म बताइए, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। और जब एंड से बोले तो एंड के लिए मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ उसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत चीज़ें आप मैं ऐसी बताऊँगा ना कि जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, ठीक है? आपका डाउट जो भी होगा इससे रिलेटेड ना एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये कि बिगनिंग से जब भी आपके बोले कि एनथ टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द बिगनिंग, एनथ टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द बिगनिंग, तो उसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और एंड के लिए जो लिखने जा रहा हूँ वो वाला यूज़ करेंगे। देखिए पहले इसके लिए ए पी की सिक्वेंस लिखते हैं, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी कॉमा डैश 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 कॉमा एल माइनस टू डी कॉमा एल माइनस डी कॉमा एल। देखिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा डैश एल माइनस टू डी कॉमा एल माइनस डी कॉमा एल हो गया। तो ये आपकी जनरल सीक्वेंस है कब के लिए? फ्रॉम द एंड के लिए, ठीक है? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए ये आप समझ पा रहे होगे कि नहीं कि एल माइनस टू डी एल माइनस डी एल कैसे आपको मिला, समझाता हूँ। जब आपने जनरल सीक्वेंस ऑफ ए पी लिखी थी क्या लिखा था? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा डैश एस डैश ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया, देखिए ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन एनथ टर्म तो बोलते ही हैं, क्या बोलते हैं? एनथ टर्म तो बोलते ही हैं, साथ में इसको अपन और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी तो बोल सकते हैं भाई, कि नहीं बोल सकते हैं? अगर ये आपका फर्स्ट टर्म है तो ये आपका लास्ट टर्म होगा कि नहीं? एनथ टर्म तो है ये, लेकिन इसको अपन लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आदमी एक है, नाम इसके दो हैं, आप भी होंगे, आपके भी दो नाम होंगे, ठीक है? घर में कुछ और आपको बोलते होंगे, स्कूल में आपके स्कूल में आपका कुछ और नेम होगा। वैसे ही यहाँ पर a प्लस एन माइनस एन टू डी के यहाँ पर इस पोजीशन पर दो नाम है, पहला इसको अपन nth टर्म भी बोलते हैं और दूसरा लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इसलिए इस फॉर्मूले को अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो l इजिकल टू में a प्लस एन माइनस वन इंटू में d इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा tn इजिकल टू में a प्लस एन माइनस वन इंटू में d, ठीक है? जब हमें जनरल टर्म फाइंड आउट करना होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करना होता है तो अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है? रिप्रेजेंट केवल दूसरा है बस, ठीक है? जब आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, दोनों फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया, ये आपका लास्ट टर्म बन गया, ये आपका एनथ टर्म बन गया। और जब एनथ टर्म फाइंड आउट करना होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है? वैसे ही हम a प्लस एन माइनस वन टू डी की जगह पे l भी लिख सकते हैं, तो ये वही l लिखा हुआ है। तो l से जस्ट पहले वाला नंबर l माइनस डी, l माइनस डी से जस्ट पहले वाला नंबर l माइनस टू डी, इस तरीके से आपकी ये एक सीक्वेंस बन गई। अब सुनिए, अब इस पे बात करते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, अब इस पे बात करते हैं। जब भी आपको nth टर्म फाइंड आउट करना हो कहाँ से, एंड से, तो आप क्या करोगे? एंड से खड़े होकर के देखोगे, कहाँ से? एंड से। अगर आप एंड से खड़े होकर के देखोगे तो पहला टर्म आपका कौन सा बन गया? ये आपका फर्स्ट टर्म बना, पक्की बात है। क्योंकि जब आप वहाँ से खड़े होकर के देखते हो, देखिए आपको एग्जाम में वहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ फील करना कि आप वहाँ से एपी को देख रहे हो, मैं तो आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? जब आप यहाँ से देखते हो तो फर्स्ट टर्म आपका ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, बट जब आप यहाँ से देखोगे तो फर्स्ट टर्म आपका ये मिलेगा, सेकंड टर्म ये मिलेगा, थर्ड टर्म ये मिलेगा, है कि नहीं? पक्की बात एकदम। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे हम क्या बनाएं, फॉर्मूला बनाएं किसका? जनरल टर्म का। तो देखिए क्या मिलेगा, एनथ टर्म फ्रॉम द एंड, एनथ टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, तो क्या मिलेगा आपको? देखिए मिलेगा L माइनस सॉरी L प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इट मीन्स आपको जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, क्या मिल रहा है? निगेटिव। अब देखिए पहले फर्स्ट टर्म जब यहाँ पर आपने लिखा था इस सीक्वेंस को, जब इस जनरल टर्म को लिखा था फ्रॉम द बिगनिंग, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या था? A था। अब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म L हो गया, कॉमन डिफरेंस D था, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? माइनस डी होगा। क्यों? देखिए यहाँ से देखिए, ये होगा आपका टर्म, ये हो गया प्रीवियस टर्म, तो टर्म और प्रीवियस टर्म, तो प्रीवियस टर्म माइनस, जब आप प्रीवियस टर्म करोगे देखिए आपको क्या मिल रहा है? डी मिल रहा है कि नहीं? कट गया, नहीं समझे? समझाता हूँ, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ओ सॉरी, एल माइनस डी माइनस का एल। देखिए
ये आपका क्या है, इधर से अगर आप देखो, इधर से देखिए, इधर से देखो, तो ये आपका क्या है, टर्म है, ये आपका क्या है, टर्म है, ये प्रीवियस टर्म है। कहने का मतलब ये है कि हम प्रीवियस टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एल माइनस डी माइनस कर। अरे यार ऐसे समझो, ये आपका टी वन है, ये आपका टी टू है, तो अपन क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए टी टू माइनस टी वन करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी टू माइनस टी वन, तो टी टू कितना है, एल माइनस डी, माइनस का टी वन कितना है, माइनस का, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो जो आपको कॉमन डिफरेंस मिला वो कितना मिल गया, माइनस डी। तो ये मिल गया इस सीक्वेंस का, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हुआ, माइनस डी हो गया। ठीक है, कहने का मतलब मेरे ये है कि जो आपका द एनटम फ्रॉम एन एपी ऑफ फ्रॉम द एंड जो मिलेगा, एल माइनस का एन माइनस वन इंटू में डी होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए एन एफ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक, अब देखिए अगर मैंने क्या बोला, जब आपने इस सीक्वेंस को यहां से खड़े होकर के देखे हैं, एनएक्स टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहां से खड़े होकर के देखे हैं, तो आपका फर्स्ट टर्म एल हुआ, कॉमन डिफरेंस आपका माइनस डी हुआ। अगर इसी सीक्वेंस को आप यहां पर खड़े होकर के देखेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस आपको पॉजिटिव मिलेगा, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और जब इसको यहां से खड़े होकर के देखेंगे तो एनटम फ्रॉम द बिगिनिंग ये होगा, जब यहां से खड़े होकर के देखेंगे वहां से, तो एनटम फ्रॉम द एंड आपका ये हो जाएगा। यहां पर यह एल क्या आपका लास्ट टर्म है, एल क्या है लास्ट टर्म है, एल क्या है लास्ट टर्म है, डी आप जानते हो कॉमन डिफरेंस है ना, आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है ना, अब देखिए आपको मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए कभी भी आपको अगर कोई भी सीक्वेंस दी हो, उस सीक्वेंस का आपको क्या फाइंड आउट करना हो, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, या ये चेक कर रहा हूँ कि गिवन एपी आपकी एपी है कि नहीं है, जो भी आपका सीक्वेंस दिया हो वो आपका एपी है कि, जैसे मान लीजिए मैंने ये सीक्वेंस लिखी हुई है, मुझे चेक करना है ये सीक्वेंस आपकी एपी है कि नहीं। मैंने क्या बोला, आप ये सीक्वेंस लिखी, आपको चेक करना है कि आपका ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि ये आपका टी वन है, ये आपका टी टू है, ये थर्ड टर्म है, और ये आपका एन एच टर्म है, तो आप बोलेंगे कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपका एपी है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू में टी थ्री माइनस टी टू, यानी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू में टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस, अगर इनके बीच के डिफरेंस के इक्वल आ गया, इट मीन्स ये आपका जो सीक्वेंस है ये आपकी एपी होगी। चेक करते हैं टी टू की वैल्यू कितनी है, ए प्लस डी माइनस का टी वन कितना है, ए, टी थ्री कितना है, ए प्लस टू डी माइनस का ए प्लस डी। ठीक है, ए से कैंसिल आउट मिला डी इज इक्वल टू में, यहाँ देखिए ए प्लस टू डी माइनस का ए माइनस का डी, ए से कैंसिल आउट, टू डी माइनस डी डी मिला, इट मीन्स देखिए दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, यानी इनके बीच का भी डिफरेंस डी आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस भी, इनके बीच का डिफरेंस भी डी आ रहा है, टी टू माइनस टी वन इनके बीच का डिफरेंस भी डी आ रहा है, इट मीन्स ये गिवन सिक्वेंस आपकी ए पी है। हम बोलेंगे क्या, दिस ए पी, दिस सिक्वेंस इज आर इन ए पी। ठीक है, ये बात होगी। अब हमें अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, सिर्फ पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या बोलेंगे, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म है, टी टू माइनस टी वन इक्वल टू में, तो टी टू कितना है, ए प्लस डी माइनस का ए, तो कैंसिल आउट, तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया आपको, डी मिल गया। तो ये हो गया आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको डी, टी टू माइनस टी वन इक्वल टू में डी। जब भी आपको डी चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टी टू माइनस टी वन, लेकिन तब लगाएंगे जब आपका गिवन सीक्वेंस एपी में हो, तब बोल दे कि दिस सीक्वेंस इज आर इन एपी, तो आप बोलेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अपन लगाएंगे टी टू माइनस टी वन इक्वल टू में डी। जब तक ये ना बोले कि गिवन सीक्वेंस आर इन एपी ना बोले, तो आप ये नहीं लगाना, पहले आपको उसको दिखाना कि आपका एपी में है कि नहीं, अगर एपी में है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे। ठीक, जब आपको टी टू टी वन पता होगा तब। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो क्या, वो देख लीजिए, जब आपको क्या दिया हो, जब आपको कोई भी एपी सीक्वेंस दी हो, किसमें, ए कॉमा बी कॉमा सी के फॉर्म में, क्या दिया हो, ए कॉमा बी कॉमा सी के फॉर्म में, इफ ए बी सी आर इन एपी, क्या बोले, ऐसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं, ऐसे बोलते हैं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। देखिए आपको कुछ नोटेशन मिलेगा जो आपको ध्यान रखना होगा, क्या मिलेगा, देखिए अगर ए बी सी आर इन एपी है, इसका मतलब क्या है कि टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू में टी थ्री माइनस टी टू होगा। जाहिर सी बात है ये एपी में, इसका मतलब क्या कि टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही तो होगा ना। देखिए हमने वहाँ पे चेक किया कि अगर इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया, इट मीन्स आपके गिवन एपी क्या होगी, आर इन एपी, सॉरी गिवन सीक्वेंस आपका एपी में होगा। अब यहाँ पहले से बोल दिया अगर ये एपी में, इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल टू ये है, तो टी टू कितना है बी, टी वन कितना है ए, टी थ्री कितना है सी, टी टू कितना है बी,
तो b माइनस के b इधर आएगा, प्लस का b माइनस का उधर जाकर के प्लस का है, तो a प्लस सी, तो यहाँ से मिल गया आपको 2b इज इक्वल टू में a प्लस सी। जो आपको ये नोटेशन मिला ना 2b इज इक्वल टू में a प्लस सी, बहुत काम आएगा ये आपको, आगे तक काम आएगा आपको, 12th क्लास में भी ये आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा कि जब भी आपको कोई बोले कि AP की कंडीशन बताओ, AP की कंडीशन यही है कि 2B is equal to A plus C, जब भी आपको 2B is equal to A plus C दिख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जब भी आपको 2B is equal to A plus C दिख जाए तो आप समझ जाइए कि गिवन सीक्वेंस आपकी AP में है। ये कंडीशन ये आपकी क्या शो करता है, AP को शो करता है, किसको शो करता है, AP को शो करता है 2B is equal to A plus C, जो कि आपका B क्या है सेकेंड टर्म है, A आपका फर्स्ट टर्म है, C आपका थर्ड टर्म। जब तीन टर्म्स आपके AP में होंगे तब के लिए कंडीशन है 2B is equal to A plus C, ठीक है, ध्यान रहेगा एपी के लिए कंडीशन 2b इज इक्वल टू में ए प्लस सी। ठीक, अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है मैंने कि द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज ए प्लस एल, द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग इज ए प्लस एल। मैंने बोला कि द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड और nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इन दोनों का जो सम होगा आपको हमेशा क्या देगा, ए प्लस एल देगा। समझिएगा कैसे, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग जो देगा हमेशा आपको ए प्लस एल देगा। समझिएगा कैसे, फर्स्ट टर्म आपका ए था और जब मैंने अभी आपको सीक्वेंस नहीं लिखी थी, जब एन टर्म फ्रॉम द एंड दिखाया था, कैसे लिखा था, ये लिखा ना, देखिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा डैश 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 एल माइनस टू डी कॉमा एल माइनस डी कॉमा एल। देखिए एन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है, एल है, और एन टर्म फ्रॉम द एंड ए है, तो ए प्लस एल मिला कि नहीं मिला, इन दोनों का सम मिला कि नहीं मिला, मिला ना, ऐसे इन दोनों का सम निकालिए, a प्लस डी एल माइनस डी, डी से डी कैंसिल आउट, क्या मिलेगा a प्लस एल मिलेगा, a प्लस टू डी एल माइनस टू डी कैंसिल आउट, a प्लस एल मिला, ऐसे ही आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग आपको हमेशा क्या मिलेगा, a प्लस एल, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग दोनों का सम हमेशा आपको क्या मिलेगा, a प्लस एल मिलेगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमने जो भी एक्सरसाइज थी आपकी, क्या 9.2 इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे, जो भी फॉर्मूले थे, मैंने आपको सब कुछ बेसिकली अच्छे से समझा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। अब हम बात करें कुछ क्वेश्चंस के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, उस एग्जांपल के जरिए मैं आपको कुछ एक चीज़ और बताऊंगा, फिर अपन चलेंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, वो आपका थोड़ा सा मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा ना कि इसको देखते ही आप तुरंत क्या बता दोगे, कॉमन डिफरेंस देखते ही बता दोगे, कॉमन डिफरेंस आपका एकदम भौकाल बन जाएगा क्लास में, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1, अभी मैं एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इफ़ 7 - 4n इज़ जनरल टर्म ऑफ एन ए पी देन इट्स कॉमन डिफरेंस, हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। समझिएगा इस बात को, क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ 7 - 4n इज जनरल टर्म ऑफ एन ए पी देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज वॉट, हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू बताना है। हमें बोला गया जनरल टर्म ऑफ एन ए पी आपका ये, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, टी एन। अरे भैया आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी पढ़ा है ना, जनरल टर्म पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट यहाँ पे हमें टी एन की वैल्यू दे दी गई है, क्या दे दी गई है, जनरल टर्म का मतलब 7 - 4n गिवेन है, हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो अपन कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ आइडिया है आपके पास, बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, आपको मैंने सिखाया है कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो आपको t1 और t2 पता होना चाहिए, तभी आप t2 - t1 करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और इस कंडीशन के लिए आपको यही करना होगा, आपको t1 और t2 फाइंड आउट करना होगा, अदरवाइज आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो t1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट
एन इज इक्वल टू में वन, तभी तो आपको टी वन मिलेगा ना। तो हम एन इज इक्वल टू जब वन पुट करेंगे तो मिलेगा टी वन इज इक्वल टू में सेवन माइनस का फोर इंटू में वन, तो टी वन इज इक्वल टू मिलेगा सेवन माइनस का फोर इज इक्वल टू में थ्री। अब बोलेंगे टी टू के लिए, बोलेंगे ऐसे लिखेंगे फोर टी वन, अब लिखेंगे फोर टी टू, पुट एन इज इक्वल टू में टू, तो मिलेगा टी टू इज इक्वल टू में सेवन माइनस का फोर, तो टी टू हो गया सेवन माइनस का फोर इंटू में टू। सॉल्व करेंगे तो सेवन इंटू में फोर टू जा एट, सेवन इंटू में सॉरी सेवन माइनस का फोर टू जा एट, तो कितना मिलेगा आपको माइनस का वन मिल गया टी टू की वैल्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ से टी वन की वैल्यू कितनी मिली, थ्री मिली, टी टू की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का वन मिला। ठीक है, तो आप क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। फॉर्मूला ये, टी टू की वैल्यू कितनी है माइनस वन, टी वन की वैल्यू कितनी आपके पास आई है थ्री, तो मिल गया कॉमन डिफरेंस आपको कितना, माइनस का फोर। सिंपल सी बात है, कितना मिल गया आपको कॉमन डिफरेंस, माइनस का फोर। अब देखिए, अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखते ही बता दोगे कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए ट्रिक देखिए क्या है, देखिए जो आपका ये यहाँ पर टी एन दिया हुआ है ये लीनियर के फॉर्म में दिया हुआ, कैसा दिया है लीनियर के फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी आपका nth टर्म, जब भी आपका tn लीनियर, देखो tn हमेशा आपको लीनियर में दिखेगा, tn कैसा दिखेगा, हमेशा कैसा दिखेगा लीनियर के फॉर्म में। लीनियर का मतलब क्या होता है कि आपको n की डिग्री 1 मिलेगी, n की डिग्री 1 मिलेगी, 7 माइनस फोर एन है ना यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ पर ये जो आपको मिला है ये क्या है आपका लीनियर फॉर्म है। तो आपको कुछ ऐसा देखिए, मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखा मैंने, ए प्लस बी एन लिखे, या फिर हाँ ठीक है ए प्लस बी एन लिखा मैंने। अब देखिए ट्रिक क्या है, ए प्लस बी एन, जब भी आपको nth टर्म इस फॉर्म में दिखे, nth टर्म इस फॉर्म में दिखे, nth टर्म किस फॉर्म में दिखे, nth टर्म इस फॉर्म में दिखे तो सी डी क्या होगा, सी डी आपका बी होगा, क्या होगा सी डी बी होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बी। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, सेवन माइनस का फोर एन लिखा हुआ था, इसको अपन ऐसे जब लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, सेवन प्लस का माइनस का फोर इंटू में एन, तो यहाँ से आपको ए प्लस बी एन, अब बी की वैल्यू कितनी लिखी मिली आपको फोर, यानी बी इज इक्वल टू में माइनस फोर, तो ये आपका क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बी के इक्वल है। ठीक, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया, कभी भी आपको टी एन दे दे, ऐसे डायरेक्टली टी एन दे दे, आपको कॉमन डिफरेंस पूछे, आप देख के बोल दीजिए जो एन का कोफिशियंट होगा वही आपका क्या देगा कॉमन डिफरेंस देगा। ध्यान रहे टी एन आपका हमेशा कैसा होगा लीनियर होगा, टी एन कैसा होगा आपका लीनियर फॉर्म होता है, कैसा फॉर्म होता है लीनियर फॉर्म होता है। लीनियर मतलब कि एन की पावर वन, डिग्री कितनी होनी चाहिए वन होनी चाहिए। चलिए ये बात होगी आपकी, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज पर, किस पर चलेंगे एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हो खुद ब खुद, क्या कर सकते हो खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं सेम मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी के आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम बात करें किस पर, एक्सरसाइज 9.2 पर सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखिए क्या है एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2। ठीक, देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर भी आपको सम फाइंड करना है, सम के लिए तो मैंने आपको अभी कुछ बताया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इस भी नहीं करेंगे अभी हम। तो फिर क्या बोला, इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म टू एंड द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट फाइव टर्म्स, सो दैट 20 टर्म इज माइनस 112। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है ना एक्सरसाइज 9.2 में आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ना ये सभी क्वेश्चंस आपके सम के हैं, किसके हैं सम के रिलेटेड हैं, यानी कि सम ऑफ एनटम से रिलेटेड है, जो कि अभी हम लोगों ने आपको, मैंने अभी आपको उससे रिलेटेड कुछ भी बताया नहीं, मैंने आपको सिर्फ एनटम बताया है, एनटम फ्रॉम द एंड बताया, एनटम फ्रॉम द बिगनिंग बताया है, जनरल सिक्वेंस ऑफ ए पी बताई है, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी बताया है, यही सब चीज़ें मैंने आपको बताई। इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे तब अपन एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है, अभी अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर अभी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ मैंने थोड़ा सा वार्म अप करा दूं, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा अच्छा फील आए आपको भी, है कि नहीं। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं खुद आपको करवा रहा हूं। चलिए लिखिए क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स प्लस वन अच्छा मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इफ एक्स प्लस वन कॉमा थ्री एक्स, क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप लोग, इफ एक्स प्लस वन कॉमा थ्री एक्स कॉमा फोर एक्स प्लस टू, क्या है एक्स प्लस वन कॉमा थ्री एक्स कॉमा फोर एक्स प्लस टू,
एक्स प्लस वन कॉमा थ्री एक्स कॉमा फोर एक्स प्लस टू आर फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन ए पी आर फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन ए पी आर फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन ए पी देन इट्स फिफ्थ टर्म देन इट्स फिफ्थ टर्म आपको इसका फिफ्थ टर्म बताना है यानी कि टी फाइव बताना है. क्या बोला है? आर फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन ए पी देन इट्स फिफ्थ टर्म यानी कि आपको बोला है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म दिए हुए हैं एक्स प्लस वन थ्री एक्स फोर एक्स प्लस टू तो आपको फिफ्थ टर्म बताना है. ठीक है, मैंने आपको बोला कि जब भी आपको तीन टर्म्स दिए हों तो ए पी की जो कंडीशन है क्या है, टू बी इज इक्वल टू में ए प्लस सी होती है कि नहीं. ये आपका मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है. ये ए, ये बी और ये सी, वैल्यू पुट कर दीजिए बी के प्लेस पर टू इंटू में थ्री एक्स, ए की वैल्यू एक्स प्लस वन, सी की वैल्यू फोर एक्स प्लस टू. सॉल्व करिए टू थ्री जा सिक्स एक्स, एक्स प्लस फोर एक्स फाइव एक्स प्लस का थ्री तो सिक्स एक्स माइनस का फाइव एक्स इजक्वल टू में थ्री, यहाँ हो गया एक्स इजक्वल टू में थ्री. एक्स की वैल्यू क्या मिल गया आपको, थ्री मिल गई. अब आपको फिफ्थ टर्म बताना है. फिफ्थ टर्म बताने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, ए और डी पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टी फाइव बताना है तो टी फाइव क्या होता है, ए प्लस फोर डी होता है. मैंने आपको बताया था जब आपको जनरल सीक्वेंस लिखवाई थी एपी की तो वहाँ मैंने बताया था कि फिफ्थ टर्म मतलब कॉमन डिफरेंस कॉफिशियंट एक कम ए प्लस फोर डी. तो आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए अगर आपको फिफ्थ टर्म बताना है तो. तो अभी तो आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू मिली ना, तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का मिलेगा. जब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, यहाँ पर पुट एक्स इन सीक्वेंस, पुट एक्स इन गिवेन सीक्वेंस, देखिए क्या मिला. जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, थ्री प्लस वन कॉमा थ्री इंटू में थ्री कॉमा फोर इंटू में थ्री प्लस टू, तो थ्री प्लस वन फोर, थ्री थ्री जा नाइन कॉमा थ्री फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व टू फोर्टीन. तो आपको क्या मिला, टी वन, टी वन कितना मिला फोर, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा आपको फोर. टी टू यानी कि ए प्लस डी इक्वल टू कितना मिला आपको नाइन, ए प्लस डी कितना मतलब कि टी टू कितना मिल गया नाइन, और ए प्लस थ्री डी कितना मिला आपको फोर्टीन मतलब कि टी थ्री, टी थ्री आपको मिला फोर्टीन, टी टू मिला आपको नाइन एंड टी वन आपको मिला फोर. टी वन मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको फोर मिल गया. अब आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप इसका यूज़ कर लो. अरे कॉमन डिफरेंस आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना कि अगर आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू में डी. टी टू की वैल्यू है नाइन, टी वन आपके पास है फोर, तो कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा आपको फाइव. वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास फोर है, कॉमन डिफरेंस कितना है फाइव है, तो फोर प्लस ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी फोर. तो टी फिफ्थ फिफ्थ टर्म आपको कितना मिल गया, ट्वेंटी फोर मिल गया. समझ में बात आ गई आपको, देखिए फर्स्ट टर्म फोर था, कॉमन डिफरेंस फाइव था, पुट किया तो फिफ्थ टर्म आपको मिल गया ट्वेंटी फोर. ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना. और भी क्वेश्चन हैं मेरे पास, बट आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम ले लिया है. ओके, देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 9.2 है इसमें एनएट टर्म या जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं. रीज़न ये है कि आप ये सब चीज़ें टेंथ में पढ़ के आए हो, सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़े हो आपने, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारी क्वेश्चंस आपने वहाँ लगाए, मैंने खुद आपको पर्टिकुलर लगवाए भी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगवाए हैं, इसलिए यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 9.2 में कुछ भी एनएट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं. इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उन क्वेश्चंस को आपको करवाऊंगा, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, कुछ ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू. चले हम 11th क्लास, क्योंकि अपन को कोर्स भी जल्दी खत्म करना है ना, क्योंकि एग्जाम भी तो होने हैं ना. चलिए ये सारी चीज़ें अपन बात करते रहेंगे. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी आप इन सब चीज़ों को कल के लेक्चर्स में अच्छे से, पहले कल के लेक्चर होने से पहले आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, सारे टर्म्स सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन करने में मुझे भी मजा, कराने में मज़ा, और आपको करने में मज़ा आए, और आपको समझ में भी और अच्छे से आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, गुड बाय.